चलो दोस्तों मैं थोड़ा टीवी देख लेता हूँ, पढ़ाई पढ़ाई ना बाद में करेंगे। चलो दोस्तों ना फ्रैंकलिन भैया ने मेरे को डांट के ना ऊपर भेज दिया, बोला है जाके तू पढ़। लेकिन दोस्तों मेरे को ना पढ़ने का थोड़ा भी ज्यादा मन नहीं है। मैं ना कुछ टाइम बाद ही स्कूल से आया हूँ, मुझे ना स्कूल का होमवर्क करना है। उससे बाद ना गाइस मेरा दोस्त भी मेरे को बुलाने आएगा, मतलब शिवा मेरे को बुलाने आएगा। भाई क्या होगा क्या पता। चलो दोस्तों टीवी भी चलने देते हैं, मैं ना नीचे जाके जैसे करके बाहर जाता हूँ। उसके बाद मैं शिवा लिटिल सिंह का तीनों मिलके खेलेंगे स्कूल के पीछे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना हमारे मेन डोर पे ना लॉक है, फ्रैंकलिन भैया ने लॉक कर दिया भाई, इसलिए ना फ्रैंकलिन भैया को पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को। फ्रैंकलिन भैया के सामने से जाना पड़ेगा। आयो फ्रैंकलिन भैया मेरे को डांटे ना भाई। फ्रैंकलिन भैया लगते है मेरे होमवर्क के बारे में भूल चुके होंगे भाई, बहुत अच्छी बात है। देखो दोस्तों हो रहा है फ्रैंकलिन भैया बुढ़ी बुढ़ी साइमन एक्शन कमिंग। चलो दोस्तों ठीक है फ्रैंकलिन भैया मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ। कहाँ पे जा रहा है तू अभी सी बार? अरे फ्रैंकलिन भैया सामने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में आ जाऊंगा। सामने जा रहा है? हाँ फ्रैंकलिन भैया इंतजार कर रहा हूँ। चलो दोस्तों फ्रैंकलिन भैया ने भूल के लगते मेरे होमवर्क के बारे में, चलो मजा आ गया। ओए सिंचन तू तेरा होमवर्क क्या है क्या? तेरे मिस ने मेरे को कॉल किया था सुबह, बोले थे सिंचन कभी होमवर्क नहीं करता। अरे फ्रैंकलिन भैया कर दिया होमवर्क कर लिया है। ठीक है कॉपी एक बार दिखा, तूने जो होमवर्क किया उसका कॉपी एक बार दिखा। अरे फ्रैंकलिन भैया प्लीज छोड़ दो ना आज के लिए, प्लीज मेरे को खेलने का बहुत बहुत ज्यादा मन है। अरे तेरे को मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, तू हर बार ऐसे शरारत करता है और कभी भी तू अपना होमवर्क नहीं करता है। तेरा मैम मेरे को कॉल करके डांटती है। अरे ठीक है भाई इतना ज्यादा बातें सुना दिया क्या ही बताए। सो गाइस बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अरे यार गाइस मैंने सोचा था मैं अभी खेलूंगा, तो फ्रैंकलिन भैया ने मेरे को ना दोस्तों ने अभी होमवर्क करना है। सो दोस्तों मुझे ना होमवर्क करने का बिल्कुल भी मन नहीं है यार, मैं क्या करूं यार मेरे को होमवर्क नहीं करना। भाई सिंचन ना इतना ज्यादा शरारती बंदा बन चुका है गाइस, कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता। सो गाइस मैं जब भी उससे पूछता हूं ना बोल रहा है मैंने होमवर्क कर लिया। हर रोज ना उसका मैम का कॉल आता है, बोलता है तुम्हारा छोटा भाई का भी होमवर्क नहीं करता। सो गाइस आज ना सिंचन का क्लास लगेगा। अरे चलो चलो, अरे भाई आज का दिन तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। अरे भाई मेरे को ही ठोक देता, चलो सिंचन को बुलाता हूँ मस्त खेलेंगे। अरे भाई आज का देखो दोस्तों लोग कितना बढ़िया मौसम है, आज खेलेंगे स्कूल के पहाड़ में जाके खेलेंगे, सिंचन को बुलाएंगे। मैंने तो अभी तक अपना होमवर्क भी नहीं किया, बहुत बढ़िया। अरे यार मेरे को तो डांट पड़ेगी लेकिन खेलना ज्यादा जरूरी होता है। ओए सिंचन आज ना सिंचन को डांट भी पड़ा है मैम के हाथों से, आज ने उसने होमवर्क नहीं किया था ना। ओए सिंचन बाहर आ जा, सिंचन बाहर आ जा रे, खेलने जाएंगे। ओए सिंचन बाहर आ जा यार। अरे एक मिनट लगता है ना कोई बुखार रहा है बहुत जोर जोर से, क्या सिंचन का फ्रेंड है? कर लो बात भाई। ओए तूने आज होमवर्क किया क्या? अरे भैया मैं बोले तो मैं होमवर्क कर लेता हूँ रात में। अरे तेरे मैम का ना कॉल आया था, मैं तीनों का भी क्लास लूंगा, मारूंगा सबको तीनों को। अरे भैया बात सुन लेना, सिंचन को छोड़ दो ना। अरे लगता है ना मेरा दोस्त मेरे को पुकार रहा है। अरे शिवा लगता है शिवा खेलने के लिए आया है। दोस्तों फटाफट नीचे चलते हैं। भाई यार भाई नीचे जाके ना एक साथ मजा आएगा, लेकिन लगता है फ्रैंकलिन भैया मेरे को फिर से देख लेंगे। ओए शिवा मैं आ रहा हूँ, हम लोग खेलेंगे। अरे रुक सिंचन रुक, तूने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? अरे फ्रैंकलिन भैया प्लीज छोड़ दो ना, प्लीज खेलने जाएंगे। तू घर के बाहर कदम नहीं रख सकता तू जब तक अपना होमवर्क नहीं करेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया छोड़ दो ना यार, हमने खेलने दो ना यार। अरे लगता है फ्रैंकलिन भैया नहीं छोड़ेंगे शिवा, तू चला जा, तू लिटिल सिंह खेल ले, मैं बेचारा लड़का हूँ। अब बेचारा बंदी तेरा भी निकालता हूँ, तूने होमवर्क कभी भी नहीं किया है अभी तक, तू चुपचाप जाके होमवर्क कर उसके बाद खेलना। अरे ठीक है सिंचन तू पढ़ाई कर भाई, मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता भाई, पढ़ाई मेरा ऊपर से जाता है। अभी ना दोस्त लिटिल सिंघम के पास चलते हैं, लिटिल सिंघम को जाके पुकारेंगे उसके बाद खेलेंगे। हो मैं सोच रहा हूँ ना लिटिल सिंघम को जाके बोलेंगे सारा किस्सा, उसके बाद लिटिल सिंघम कोई मसला तो निकाल ही देगा। ओए लिटिल सिंघम, ओए लिटिल सिंघम बाहर आ जा यार। ओए लिटिल सिंघम तू क्या कर यार? अरे एक मिनट मैंने शिवा का बात सुना। ओए शिवा तू कहाँ पे? ओए यार वो हर बार हमारा घर कैसे भूल जाता है, वो हर रोज हमारे घर में आता है, दूसरे घर में पुकारता मेरे को। ओए ये मेरा घर है यार, तूने दूसरे घर में जाके तू चिल्ला रहा है। अरे यार तूने अपना घर कैसे शिफ्ट कर लिया, तू कब किया? ओए यही मेरा पूरा जन्मों तक घर ही रे, वो पीछे वाला घर। अरे यार जो भी हो छोड़ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंचन को ना पकड़ लिया है फ्रैंकलिन भैया ने, देखना कुछ कर सकते है तो। फ्रैंकलिन भैया ना हम लोगों को नहीं छोड़ रहे, खेलने दे रहे। चल ना सिंचन को जैसे करके बाहर ले आना पड़ेगा यार, तू मेरी बात सुन ले लिटिल सिंघम। ओए ठीक है चल खेलेंगे मजा आएगा, उससे पहले ना हम लोगों को ना सिंचन को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। हमारा एनिमी है फ्रैंकलिन भैया के पीठ पीछे से हम लोगों को सिंचन को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अरे शिवा फटाफट मेरा पीछे, शिवा फटाफट मेरा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, लगता है मैं तो ऐसे दरवाजे से नहीं घुस सकता ना। अरे नहीं
नहीं यार, हम दरवाजों से नहीं जा सकते, वहाँ पे फ्रैंकलिन भैया खड़े हुए हैं, हम लोगों को पूरा बैंड बजा देंगे। अरे कुछ करना तो पड़ेगा हम लोगों को। हमें समझ गया समझ गया, हम लोगों को ना इसके बैलकनी मतलब पीछे से जाना पड़ेगा इस घर से। उसके बाद हम लोग जैसे करके सिंचान को घर के बाहर ले आएंगे। ठीक है, मैं इस तरफ से जा रहा हूँ, तू मेरा पीछा कर, धीरे धीरे, समझ गया मेरी बात। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है यार लिटिल सिंघम, खतरों से खेलना ये मेरा आदत है। चलो चलो दोस्तों, मैं धीरे धीरे यहाँ से चलता हूँ, आई होप सिंचान को मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। चलो मुझे यहाँ से जंप लगाना पड़ेगा। अरे मेरे को इतना ही डर लग रहा है भाई, फ्रैंकलिन भैया ने मेरे को पकड़ लिया तो मेरा पूरा क्लास लगा देंगे, मतलब बहुत ज्यादा गंदरम मारेंगे डांटेंगे। अरे दोस्तों आज ना मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। सो गाइस कल रात ना नींद सही से नहीं हुआ। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ चलो अभी सो जाते हैं, भाई नींद आ रहा है तो सोना तो बनता ही है। सिंचान आई होप ऊपर पढ़ाई कर रहा होगा, उसको ना बिना होमवर्क के बाहर जाने नहीं देंगे। चलो गाइस फिलहाल के लिए मैं सो जाता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा ही नींद आ रहा है। अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है भाई, सिंचान भाई फ्रैंकलिन ने हमारे सामने से चला गया, फ्रैंकलिन के पीठ पीछे से हम जा रहे हैं। भाई फ्रैंकलिन अभी सो गया, भाई ये तो सोने पे सुहागा हो चुका है। अभी मैं चुपके चुपके सिंचान के घर पे जाऊंगा, आई मीन दो। अभी तो फ्रैंकलिन भैया भाई घोड़ के नींद पे है लगता है, तो फ्रैंकलिन भैया इतना जल्दी नहीं उठेंगे। इतना बढ़िया मौका, चल 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 चलता हूँ। अरे भाई भाई चलता हो जाएगा वो सिंचान। अरे भाई मेरे को ना धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, भाई भैया गलती से उड़ गए तो भाई मेरा पिजबाड़ा सुई कर देंगे। ओए सिंचान चल चल पूरा घर खाली है, फटाफट बाहर चल, मजा आ जाएगा। अरे यार तूने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया लड़ सिंह का, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तू मेरा जान का टुकड़ा है यार। अरे ठीक है सब छोड़, फटाफट कैसे घर के बाहर निकले बोल। अरे हमारा मेन गेट में ना फ्रैंकलिन भैया ने पूरा ताला लगा दिया। क्या बोल रहा है, देखता हूँ इस गेट की बात कर रहा है। हाँ हाँ अरे यार मैंने तो इसका ओपन देखा था। अरे यार ये तो खुला हुआ गेट है। अरे यार तू पागल है क्या सिंचान, तू तो आसानी से घर के बाहर आ सकता था। अरे ये दोस्तों मैंने सोचा था इस जोड़ पे ना बहुत जोर से ताला लगा दिया, तो गाइस इतना टाइम से मेरा पागल हो चुका था क्या यार, मैं इतना आसानी से घर के बाहर आ सकता था। अरे चल 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 सब छोड़, चल स्कूल के पीछे चलते हैं पहाड़ी पे। अरे दोस्तों लोग फटाफट कार में बैठ जाओ, भाई इस कार का चाबी मेरे पास है, हमारे पास दो चाबी है, एक फ्रैंकलिन भैया के पास एक मेरे पास। चलो दोस्तों अभी चलेंगे स्कूल के पीछे, उसके बाद हम लोग बहुत बहुत ज्यादा मजा करेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। अरे यार बहुत ज्यादा ही मजा आएगा भाई। अरे दोस्तों मैं सिवा बोल रहा हूँ, वहाँ पे ना मेरी शांति रहती है, शांति तेरे को पता है कौन शांति? अरे यार ये शांति कौन है? अरे मेरा एक कुत्ता है, मेरा कुत्ता। अरे यार तू कुत्ता कब बाला? ओए ओए मैं तो लंबी कहानी है बाद में बताऊंगा। अरे सिंचान जोर से कार भगा, जोर से, जल्द से जल्द पहुंचना है स्कूल के पीछे, उसके बाद बहुत टाइम से खेलेंगे हम लोग। अरे दोस्तों चलो अपनी कुर्सी की बेड़ी बांध लो यार। अरे नहीं ये नहीं करने का, अरे सिंचान तूने क्या कर दिया? अरे दोस्तों लोग सब जिंदा हो रहा? अरे हाँ सब जिंदा है, लेकिन तूने ये सब क्या किया? अरे ज्यादा जोश में आ गया था, एक मिनट ये क्या देखा भाई, जल्दी से यहाँ से भागो। ओए सिंचान मैंने ना वहाँ पे कुछ देखा, वहाँ पे ना कुछ बंदे किसी को मार रहे थे। दोस्तों फटाफट जाके उसको देखना चाहिए। अरे यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गंदा सीन हो रहा। सो गाइस ये ना हमारा स्कूल का शॉर्टकट है, हम लोग ना पहली बार शॉर्टकट मार रहे हैं, आई मीन दूसरी बार मार रहे हैं। भाई दूसरी बार शॉर्टकट ले रहे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमने तो कभी भी यहाँ पे कोई गुंडागर्दी होते तो आज तक कभी नहीं देखा, यहाँ पे गुंडागर्दी क्यों हो रहा है यार? अरे दोस्तों लोग कहाँ पे झुके यार, जल्दी जाओ यार। अरे तो रुक जा तू पहले मत जा, मुझे पहले जाने दे, मैं लिटिल सिंघम। ठीक है भाई तू पहले चला जाना, मेरे को पहले देखना है यहाँ पे चल क्या रहा है। अरे यार भाई यहाँ पे तो गुंडा है। अरे भाई ये देख, ये तो थोड़ा ले, एक मिनट यहाँ पे तो एक बंदे के पास गन है। लिटिल सिंघम सिवा क्या हो रहा है यार दोस्तों? अरे पागल बड्डे ये तेरा लास्ट वार्निंग है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तेरा जो शक्ति है वो मेरे ऊपर डाल दे, उसके बाद मैं तेरे को जिंदा घर जाने दूंगा। देख रहा है ना मेरे दोस्तों के हाथ में कितना बड़ा बड़ा गन है, एक गन में तेरा खोपड़ी दो कर देंगे पिद्दी। पितर मेरी बात सुन ले पुत्र, मैं तेरे को ऐसे पावर नहीं सकता पुत्र, तू मेरा पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। अरे लगता है इसका औकात दिखाना पड़ेगा दोस्त। हा ये है थोड़ का 50,000 किलो का, या ये ले पिद्दी। अरे पुत्र मेरे को छोड़ दे पुत्र, अरे पुत्र छोड़ दे, अरे तू छोड़ने का लायक नहीं या। अरे पुत्र पागल बुड्ढा गई का। अरे दोस्तों वहाँ पे कितना बहराई में से मार रहे हो दोस्तों को। अरे यार सिंचन तूने तो बात सही किया भाई, इस बुड्ढे को कितना गंदी तरह मार रहे हैं, लगता है मेरे को जाना चाहिए। ओए मैं पुलिस आ चुका हूँ, ओए हट जाओ वहाँ से, बुड्ढे को छोड़ दे नहीं तो तीनों को मार दूंगा मैं। एक छोटा सा बच्चा आया है यहाँ पे इस बुड्ढे को बचाने, और मालिक अभी इसकी बैंड बजाता हूँ। अरे दोस्तों वहाँ पे और ज्यादा गंदा सीन हो चुका है। सो गाइस लिटिल सिंघम जब गया ना, लिटिल सिंघम को भी पकड़ लिया और सब गंदे बंदे, भाई देखो उनके पास क्या बड़ा बड़ा गन है। वही हमको छोड़ दे यार, मैं ज्यादा ही 250 किलो का हाथ लेके आ चुका हूँ भाई, तुम्हारा हथौड़ा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, मैं गलती से आ गया।
अरे बड्ढे बोल रहा हूँ चुपचाप दे दे यो पावर। अरे पत्थर तुम मेरे पावर का गलत इस्तेमाल करेगा पत्थर, मैं ऐसे वैसे किसी को पावर नहीं दे सकता पत्थर, इसमें मेरा बहुत ज्यादा खतरा होने वाला पत्थर। अरे बड्ढे तू लगता है ऐसे ही मरेगा मेरे हाथ से बिना पावर के, हा हा दोस्तों लोग इसका सर खोल दो, हा 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 मार डालो इसको। अरे दोस्तों मेरा कुछ करना पड़ेगा नहीं तो बुड्ढे और लिटिल सिंह अंकल दोनों को ही मार देंगे। एक मिनट यार मैं क्या करूं, अरे मेरा दिमाग खुल चुका है। अरे शिवा तू यहाँ पे खड़े रहा, सो दोस्तों मेरे को समझ आ चुका है, मैं मुझे ना जैसे करके उस बुड्ढे को बचाना पड़ेगा, मेरे को पता चल गया मैं कैसे बचा सकता हूँ। भाई मेरा दिमाग इतना बढ़िया चल रहा है मेरे को खुद ही पता नहीं। चलो दोस्तों इस ट्रैक्टर के ऊपर चलते हैं, भाई ट्रैक्टर को चलाएंगे उसके बाद ना ट्रैक्टर से उस तीनों बंदे को पूरा ठोक देंगे। भाई मुझे धीरे धीरे काम करना चाहिए, भाई उन सब को तीनों को पता चल गया तो वो सब मेरे को गोली मार के मार दे सकते हैं। चलो ये ट्रैक्टर तो चल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ओ पिट्टी के बच्चा रुको रुको, मुझे गाइस पहले ना ये ट्रैक्टर को ठीक से चलाना पड़ेगा, भाई ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और कितना ज्यादा बड़ी है। ओ पिट्टी के बच्चा उन दोनों को छोड़ दे, क्या तेरी भैंस की आग या। ओए अरे ये कौन है रे, अरे बैठो क्या हमको। अरे दोस्तों लगते चोर से ढोकना पड़ेगा। ओए मार डाला रे। अरे दोस्तों एक को मार दिया, अब इन तीनों की बारी, यहाँ तेरी प्यास की अमन या। अरे दोस्त इसमें आग लग चुका है, भाई साहब भाई मैं बच चुका हूँ, मरते मरते मैं बचा हूँ दोस्तों, लगता है वो सब ठीक होंगे। ओए बुड्ढा लगता है वो लीडर सिंह हम ठीक होंगे। अरे भाई देखो दोस्तों मैंने तो इन सब का पूरा हालत टाइट कर दिया। ओए पत्थर तू इतना छोटा होके इतना बहादुरी जैसा काम किया पत्थर, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे ये मेरा दोस्त है, मैं लीडर सिंह का बोल रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है, इतना ज्यादा बहादुर है और मेरा दोस्त है। अरे पत्थर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तूने मेरा जान बचा लिया, मैंने सुना पत्थर मैं मारा जाऊंगा, मैं तेरे को खुश हो कुछ पावर देना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा पावर पत्थर। ठीक है दद्दू जी आपका जादूगर है दद्दू जी। अरे नहीं पत्थर ये ले पत्थर या। अरे एक मिनट दोस्तों ये क्या हुआ मेरे अंदर, तो क्या हो रहा है गोल गोल क्या हो रहा है। अरे पत्थर ये मेरा बहुत ज्यादा खतरनाक जादू है पत्थर, ये जादू लेने के लिए बहुत सारे बंदे ने मेरे ऊपर अटैक किया था। अरे दोस्तों मेरा दोस्तों लोग मेरे से डर रहे हैं, बोल रहे तू मॉन्स्टर बन चुका है। अरे दोस्तों मेरे को खुद ही पता नहीं ये हो क्या रहा है। अरे पत्थर थोड़ा सबर कर, सबर का फल बहुत ज्यादा मीठा है पत्थर। अरे दोस्तों ये कब खत्म होगा दद्दू जी, ये खत्म कर दो। ऑलराइट दोस्तों ये खत्म हो चुका है। एक मिनट दद्दू जी कहाँ पे चले गए, दद्दू जी कहाँ पे चले गए आप। एक मिनट दोस्तों ये कौन सा पावर है मेरे को समझ नहीं आ रहा। वैसे लगता है तेरे को जादू पावर दे दिया, तू कुछ मांग के देख। ठीक है मैं चाहता हूँ मेरे सामने एक सबसे कीमती कार आ जाए, बहुत ज्यादा खूबसूरत कार, योलो कलर का, कुछ भी कलर का बढ़िया कार चाहिए। एक मिनट दोस्तों मैंने योलो कलर का कार मांगा, ये देखो। अरे दो बोला ना, अरे दो एक देख, और दद्दू जी ने तेरे को कितना बढ़िया टाइप का कार दे दिया। अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा महंगा कार है रे। अरे भाई सिंचन तेरा तो चुका है। अरे दोस्तों मैंने भी नहीं सोचा था इतना बढ़िया, और मैं चाहता हूँ मेरे सामने ऐसा कार आ जाए हम तीनों मिलके घूम पाए और बहुत ज्यादा खूबसूरत कार हो। 1 2 3 अरे भाई ये भी आ चुका है। अरे यार मैंने जो बोला भाई तेरे पास तो बहुत ज्यादा अनोखा पावर है। अरे दोस्तों फटाफट कार के अंदर घुस जाओ। अरे नहीं यार पूछ मैं तो घुस गया, शिवा भी बैठने वाला इस कार के अंदर। इस कार में तो बहुत ज्यादा पावर है यार, ये देख कितना ज्यादा बड़ा खतरनाक कार है। अरे यार मैंने कभी भी ऐसा कार नहीं देखा। हम तीनों हमारे घर चले जाए, मैंने हमारे घर में। एक मिनट दो एक, अरे हम लोग घर में आ चुके हैं भाई, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है। अरे सिंचन हो रहा तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुका है। अरे मैं चाहता हूँ मैं मेरे घर के ऊपर चला जाऊँ, आई मीन छत पे, चलो। अरे यार सिंचन ये क्या हुआ भाई, हम लोग तो छत के ऊपर आ चुके हैं भाई, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। अरे दोस्तों ये तो मजा आ गया, हमारे साथ तो बहुत ज्यादा बढ़िया चीज हो रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे घर में बहुत ज्यादा आरसी कार आ जाए, बहुत ज्यादा गोल्ड आ जाए और एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर, मैं सब चाहता हूँ या। अरे सिंचन ये क्या हुआ भाई, मेरे को कुछ विश्वास नहीं हो रहा है। अरे दोस्तों हम लोगों को आरसी कार चाहिए, देखो इतना ज्यादा आरसी कार और इतना ज्यादा गोल्ड, भाई हम तो बहुत बहुत ज्यादा अमीर बन चुके हैं यार शिवा। अरे यार मेरे को भी लग रहा है, अरे हम तो बहुत ज्यादा अमीर बन चुके हैं। अरे दोस्तों मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। एक मिनट दोस्तों मैंने जो हेलीकॉप्टर मांगा था, आई मीन ये प्लेन है। अरे दोस्तों अरे यार भाई मेरे छत के ऊपर कौन इतना शोर मचा रहा है। सो गाइस मैं 10 मिनट पहले लेटा था भाई, कितना ज्यादा शोर मचा रहा है ना कोई बंदा, भाई मेरा नींद खुल गया। अरे कौन है रे बंदा। एक मिनट दोस्तों ये क्या है भाई, ये तो एक हेलीकॉप्टर, ये तो प्लेन है यार, अभी गोल्डन कलर का प्लेन है भाई। अरे प्रवीण भैया प्लेन में बैठो, आपको सारा किस्सा बताता हूँ, चलो प्लेन में बैठो। हाँ हाँ सब समझ गए ना।
अरे भाई सिंचन तेरा तो सच में भाई तेरा लक कितना ज्यादा बढ़िया है भाई। सिंचन ने अभी उसका पूरा कहानी बताया, वो कैसे एक बुड्ढा को बचाया, बुड्ढा बचाने के बाद वो बुड्ढे ने इसको इतना ज्यादा पावर दे दिया। देखो गाइस वो ना जो चाहता है वो हो रहा है। देखो गाइस ऐसा प्लेन बनाया है, गाइस देखो प्लेन तो पूरा उल्टा है, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा प्लेन है क्या कुछ और। भाई साहब सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अरे रुको रुको दोस्तों, लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये भी गो सामने जो वीडियो शो कर रहा है उसमें भी लिख कर दो।